नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रोग्रेस एकेडमी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने जा रहे हैं 20 जुलाई 2020 के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की। तो आज के सेशन को चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं सबसे पहले हमारा कल का क्वेश्चन ऑफ द डे। कल मैंने आपसे पूछा था, हाल ही में किस टीम ने 34वीं बार ला लीगा कप जीता है। तो ये जो ला लीगा कप है वो अभी 34वीं बार जीता है रियल मैड्रिड ने। रियल मैड्रिड ने इसको 34वीं बार जीता है और 2-1 से जो है हराया है किसको, विलारियल जो एक टीम है उसको हरा के इसने खिताब जीता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। और यूरोप की ये दोनों फुटबॉल क्लब हैं और जो ला लीगा वहाँ की एक फेमस लीग है उसको अभी हाल ही में जीता है इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारी आज की पहली न्यूज़। वार्षिक रूप से मनाए जाने वाले आदिपूरम फेस्टिवल का संबंध किस मंदिर से है। तो जो आदिपूरम फेस्टिवल है ये जो है अंडाल मंदिर में मनाया जाता है जो कि तमिलनाडु में स्थित है। चलिए डिटेल से देखते हैं इसके बारे में। तो ये जो अंडाल मंदिर तमिलनाडु में है ये श्रीविल्ली पुत्तूर में स्थित है और ये साल में एक बार मनाया जाता है, जो कि क्या है, जो कि देवी अंडाल और भगवान रेंग मन्नार के लिए समर्पित है। ठीक है, और ये इस विशेष पूजा में क्या होता है, एक विशाल रथ को खींचा जाता है। लेकिन जैसा आप सभी लोगों को पता है कि कोविड-19 पैंडेमिक के कारण अभी कोई भी सोशल गैदरिंग जो है सार्वजनिक स्थानों पर बहुत सारे लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। इस बार कुछ चुनिंदा लोगों को, पुजारियों और कुछ सीमित प्रतिनिधियों के द्वारा इसको आयोजित किया जा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारी अगली न्यूज़ को। नासा ने हाल ही में 2016 DY-30 और 2020 ME-3 नामों की चर्चा की है। ये नाम निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं। तो ये जो दो नाम बताए गए हैं 2016 DY-30 और 2020 ME-3 ये जो हैं दो क्षुद्र ग्रहों के नाम हैं, एस्ट्रॉइड्स के नाम हैं। ठीक है, और इसके साथ नासा ने ये भी बताया कि जो ज़्यादा नज़दीक आने वाले क्षुद्र ग्रह हैं उनको हम क्या कहते हैं, संभावित रूप से खतरनाक क्षुद्र ग्रह, PAHS कहा जाता है, पोटेंशियल हजार्डस एस्ट्रॉइड्स, PAHS कहा जाता है उनको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, उसने ये बताया है कि 24 जुलाई को क्या होगा, पृथ्वी के नज़दीक से दो अन्य क्षुद्र ग्रह हैं वो गुजरेंगे। ठीक है, और उनके नाम क्या हैं, 2016 DY-30 और 2020 ME-3। तो इन नामों की चर्चा इसलिए की गई है क्योंकि ये दो क्षुद्र ग्रह हैं और ये पृथ्वी के पास से गुजरेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारी अगली न्यूज़ को। निम्नलिखित में से कौन सी समिति गैर व्यक्तिगत डेटा, नॉन पर्सनल डेटा से संबंधित है। तो ये समिति है क्रिस गोपालन कृष्णन समिति। ठीक है, और ये कौन है, ये को फाउंडर हैं इन्फोसिस के। ठीक है, तो इनकी अध्यक्षता में एक समिति को गठित किया गया है और ये क्या करेंगे, नॉन पर्सनल डेटा से संबंधित एक ड्राफ्ट रिपोर्ट जारी करेंगे। और इस जो डेटा का उपयोग किया जाएगा कहाँ, विभिन्न घरेलू कंपनी में जो है संस्थाओं का दोहन करने के लिए इस जो डेटा का है उपयोग किया जाएगा। और ये नॉन पर्सनल डेटा है, किसी भी व्यक्ति का जो है व्यक्तिगत डेटा नहीं है, किसी भी पर्सनल का, किसी कर्मचारी का इसमें क्या है, व्यक्तिगत डेटा इसमें नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारी अगली न्यूज़ को। विश्व इमोजी दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ देखिए, इमोजी तो आप सभी लोग जानते हैं, जैसे ही आप चैटिंग करते हो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह, तो अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करने के लिए, अपनी सिचुएशन को व्यक्त करने के लिए आप क्या करते हो, आप इमोजी बनाते हो। इमोजी जो होते हैं उनमें कई प्रकार के जो है भावों को व्यक्त करते हुए चित्र होते हैं, तो इसको जो है विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका जो विश्व दिवस है हर बार 17 जुलाई को मनाया जाता है, तो 17 जुलाई को विश्व इमोजी दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब से हुई थी, 2014 से इसकी शुरुआत हुई थी और जो ऑस्ट्रेलिया के जेरेमी बर्ज हैं इन्होंने इसकी शुरुआत की है। अच्छा, इमोजी जो शब्द है इसकी व्युत्पत्ति कहाँ से हुई, ये जापानी भाषा का शब्द है और इमोजी वेब पेज और जो मैसेज में उपयोग किए जाने वाले जो छोटे चित्र होते हैं ना उनको कहा जाता है, जिस तरीके से आप यहाँ देख पा रहे हैं ये सारे जो हैं इमोजीज होते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारी अगली न्यूज को। कोचीन शिपयार्ड ने किस देश के लिए ऑटोनोमस इलेक्ट्रिक फेरी निर्मित की है? तो कोचीन शिपयार्ड ने स्वीडन देश के लिए क्या किया है अभी, सॉरी नॉर्वे देश के लिए ऑटोनोमस इलेक्ट्रिक फेरी निर्मित की है। अभी इलेक्ट्रिक फेरी क्यों बनाई है? क्योंकि देखिए नॉर्वे देश की ये कोशिश हो रही है कि ये पर्यावरण को बचाएं, और क्योंकि देखिए यदि आप डीजल या पेट्रोल से बनने डीजल से बनने वाली जो फेरियां होती हैं, ये जो नावें होती हैं, इनमें क्या होता है, इनमें प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है, तो इस कारण से इसने इलेक्ट्रिक फेरी जो है बनाई है। इसमें क्या होता है, इसमें उत्सर्जन मुक्त जो है परिवहन को बढ़ावा देने के लिए इसने ऐसा किया है। तो अब देखिए कोचीन जो है, कोचीन शिपयार्ड भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड है, और क्या कर रहा है, कोचीन वाटर मेट्रो के लिए जो है इससे पहले 23 हाइब्रिड जो है इलेक्ट्रिक बोट का निर्माण कर रहा है, ठीक है। और ये भारत का जो है सबसे बड़ा जहाज निर्माता है कोचीन शिपयार्ड, ये भी आपको याद रखना है। यदि हम बात करें नॉर्वे की, तो नॉर्वे की जो राजधानी है ओस्लो है, प्रधानमंत्री यहाँ के एना सोलबर्ग हैं, और मुद्रा की बात की जाए तो नॉर्वेजियाई जो क्रोन है वो यहाँ की मुद्रा है, और एक जो नॉर्वेजियाई क्रोन है वो 8 रुपये के बराबर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारी अगली न्यूज़ को। भारतीय व्यापार सम्मेलन कब इंडिया आइडिया समिट आयोजित करेगी? तो ये जो इंडिया आइडिया समिट जो है ये कब आयोजित किया जाना है? ये आयोजित किया जा रहा है 22 जुलाई को, ठीक है। और इस सम्मेलन में होगा क्या, व्यापार और सरकार से जुड़े जो प्रमुख नेता हैं और अमेरिका की जो भावी साझेदारी है, प्रमुख नेता भारत और अमेरिका की जो आने वाली जो पार्टनरशिप है उसके बारे में चर्चा करेंगे, क्या व्यापार हो सकते हैं, कहाँ संभावना है किस क्षेत्र में, और COVID-19 के बाद उन संभावना को कैसे जारी रखा जा सकता है, इस पर विचार विमर्श होगा। और इसमें क्या होगा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं माइक पोम्पियो, ये जो हैं इस सम्मेलन में प्रमुख भाषण देंगे। वर्चुअली इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारी अगली न्यूज़ को। CBSE ने AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैरिकुलम के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो CBSE ने जो है आर्टिफिशियल कैरिकुलम के लिए IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसने क्या किया, इसके साथ CBSE ने साझेदारी की है। और ये क्या होगा, ये क्लास 11th और 12th के लिए क्या कर रहा है, एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिलेबस को लॉन्च करेगा, ठीक है। और ये जो AI पाठ्यक्रम होगा ये CBSE की आवश्यकताओं को पूरा करेगा, और इसमें कौन कौन सी है, ऑस्ट्रेलिया की जो मैकटुरी यूनिवर्सिटी और लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन जो है भारत के, इसके साथ इसको विकसित किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे हमारी अगली न्यूज़ को। किस संस्था ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है? तो अभी नाबार्ड ने क्या किया है, नाबार्ड ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में विकास परियोजना का शुभारंभ किया है। नाबार्ड आप सभी जानते हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है, और 44 लाख रुपए की इस परियोजना का जो शुरुआत वहाँ पे की गई है, इसका उद्देश्य क्या है, ग्रामीण उद्यमिता के माध्यम से जो है आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ना है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करना है। और इसके तहत होगा क्या, सूक्ष्म स्तर पर जो ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाएगा और जो स्वयं सहायता समूह है, स्व सहायता समूह, उसके गठन और कौशल विकास पर, जो स्किल डेवलपमेंट है उस पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अभी हाल ही में यदि आपको पता हो तो नाबार्ड ने क्या किया है, जो पैक्स होती हैं प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी होती जो गाँव में होती हैं, तो उनके लिए भी डिजिटलाइज करने के लिए 5,000 करोड़ जो आवंटित किए हैं, तो याद रखना है इसके बारे में। अभी आपको मुख्यालय की यदि बात करें नाबार्ड के, तो मुंबई में स्थापना इसकी 12 जुलाई को हुई थी 1982 को, और इसकी जो स्थापना हुई थी शिवरामन समिति की सिफारिशों के आधार पर हुई थी। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे हमारी अगली न्यूज़ को। किस प्रदेश में हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना
की जाएगी। तो आपको याद रखना है, जो हल्दी अनुसंधान संस्थान है इसकी स्थापना की जाएगी तमिलनाडु में। और तमिलनाडु सरकार ने क्या किया है, उत्पादन बढ़ाने के लिए और उत्पादकों की आय में वृद्धि करने के लिए जो मोतकुचरी जिले में क्या किया है, एक हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की है। और इस संस्थान की स्थापना की जो लागत होगी वो 30 करोड़ रुपए होगी। और वर्तमान में देखिए जो तमिलनाडु है उसमें 13,955 लगभग 14,000 एकड़ में हल्दी की खेती की जाती है। अब यही हम बात यदि करें तमिलनाडु की, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, मुख्यमंत्री यहाँ के पलानी स्वामी हैं, राज्यपाल यहाँ के बनवारी लाल पुरोहित हैं। वहीं यदि हम बात करें लोकसभा सीटों की तो 39, राज्यसभा सीटें यहाँ पे 18 और विधानसभा सीटें यहाँ 225 हैं। और यहाँ का जो प्रमुख बांध है उसके बारे में आपको याद रखना है, कल्लानी बांध है। और ये स्थित कहाँ है, ये स्थित है आपका कावेरी नदी पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे हमारी अगली न्यूज़ को। निम्नलिखित में से किस पैरा एथलीट का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है? तो अभी जो ये रमेश टीकाराम है, इन्होंने क्या किया है, पैरा एथलीट के क्षेत्र में इन्होंने अच्छा नाम कमाया था, एक पैरा एथलीट थे, तो इनको राष्ट्रपति पुरस्कार भी प्राप्त है, अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, और ये एक राष्ट्रीय कोच भी रह चुके हैं, खेल प्रशासक के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। और 2002 में इन्होंने क्या किया था, पैरालंपिक्स में शॉटपुट, डिक्स और जेवलिन में क्या किया था, गोल्ड मेडल इन्होंने हासिल किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारी अगली न्यूज़ को। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, चैंपियंस लीग में भाग लेने वाला पहला भारतीय क्लब कौन सा बनेगा? आपके पास ऑप्शन है FC गोवा, जमशेदपुर FC, बेंगलुरु FC, हैदराबाद FC। तो कौन सा ऐसा क्लब है जो कि चैंपियंस लीग में भाग लेने वाला पहला भारतीय क्लब बनेगा? चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।